हेलो बच्चों, हम लोग अभी तक इंग्लिश में आपने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, जी फॉर डॉग, यही सब पढ़ा है। लेकिन आज हम लोग इन लेटर्स से कुछ और वर्ड्स सीखेंगे, ठीक है? और फिर इसके बाद आपको बनाने दिया जाएगा। तो जैसे फर्स्ट लेटर हम लेते हैं ए, ठीक है? तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ ए से कितने सारे शब्द हो रहे हैं जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं। जैसे ए, ये आपको पता है कैपिटल लेटर ए है, ये स्मॉल लेटर ए है। ए फॉर अलमीरा। अलमीरा पता है आपके घर में है, सबके घर में रहता है एक अलमीरा, तो ये है ए फॉर अलमीरा। अब ए फॉर मतलब ए से शुरू होने वाले शब्द, यानी सब के भी हम जितने भी वर्ड पढ़ेंगे उसके आगे फर्स्ट वाला जो लेटर होगा वो ए होगा। तो ए से शुरू होने वाले एप्पल हम लोग सब जानते हैं, लेकिन एप्पल के अलावे कुछ और शब्द हैं जो हम लोग अपने घरों में देखते हैं। तो ए फॉर अलमीरा, यहाँ देखिए ये ए है, हमने इसको सर्किल कर दिया, यहाँ ए है। अब है ए फॉर एप्पल, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, यहाँ भी ए को सर्कल कर दिया, यानी फर्स्ट जो लेटर है वो ए है। ए से एक्स है, एक्स माने कुल्हारी जिससे हम लोग लकड़ी काटते हैं, तो ये कुल्हारी है ए फॉर। यहाँ भी ए से ये शुरू हो रहा है, हम देख रहे हैं। ये है एरोप्लेन, आप एरोप्लेन देखे हो आकाश में उड़ते, या जानते भी हो, पिक्चर भी देखा है इसका। ये भी देखिए ए से शुरू होता है, तो ए फॉर एरोप्लेन, इसे भी हमने सर्कल कर दिया। ए से ये तीर है, आप धनुष चलाते हुए नहीं देखे हो किसी को, किंतु फोटो में पिक्चर में देखा होगा, तो ये तीर है जिसको एरो बोलते हैं इंग्लिश में, तो ए फॉर एरो। तो एरो का जो ए है फर्स्ट लेटर ए है, वो भी हमने घेर दिया। अब यहाँ पे ये क्या है, देखो आप पहचान सकते हो, ये चींटी है, चींटी को एंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये भी ए से शुरू होता है, देखिए ए फॉर एंट। इस तरह अभी हमने क्या देखा, अभी तक हम लोग ए फॉर एप्पल ही पढ़ रहे थे, ठीक है? लेकिन आज आपने कुछ और नए वर्ड सीखे जो ए से है, यानी जो ए से शुरू होता है, जैसे ए फॉर अलमीरा, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एक्स, एक्स माने कुल्हारी, ए फॉर एरोप्लेन हवाई जहाज, ए फॉर एरो मतलब तीर, ए फॉर एंट, ए एन टी एंट मतलब चींटी। अब इस तरह हम लोग इसको बोलना भी आप लोग सीखिएगा, इसको अलमीरा बोलेंगे, इसको एक्स बोलेंगे, इसे एरो, ये एरोप्लेन और ये एंट। अब हम लोग बी पे चलते हैं, ठीक है? कैपिटल लेटर बी, स्मॉल लेटर बी। ये बी फॉर एक चूड़ी बनी हुई है, जैसे हमने चूड़ी पहन रखी है, इस चूड़ी को बोलते हैं बैंगल। इंग्लिश में चूड़ियों को बोलते हैं बैंगल्स। और अच्छा, मुझे बहुत अच्छा ड्रॉ करना नहीं आता है, तो ये एक चूड़ी बनाई मैंने, बी ए एन जी एल ई, बैंगल। यानी अब हमने बी से जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सारा शब्द जो है, वो वर्ड शुरू होगा बी से, लेटर बी। तो बी से देखिए बैंगल, मतलब चूड़ी। बी फॉर बैग, बैग आप देखे हो, तो ये भी बी से शुरू हो रहा है। बी फॉर बकेट मतलब बाल्टी जो हमारे घर में होती है, ये भी बी से शुरू हो रहा है, बी यू सी के ई टी बकेट, बी ए जी बैग, बी ए एन जी एल ई बैंगल। अब ये बेल है, एक बेल टंगी हुई जैसे स्कूल में होती है, और एक हैमर है मतलब हथौड़ी है, इस हथौड़े से बेल को बजाया जाता है, तो बी फॉर बेल, बी ई डबल एल बेल, ये भी बी से शुरू हो रहा है। तो इस तरह हमने क्या देखा, बी फॉर बैंगल, बी फॉर बकेट, बी फॉर बैग, बी फॉर बेल। इससे पहले हम बी फॉर बॉल पढ़ चुके हैं, ये तो हम जानते ही हैं कि बी फॉर बॉल होता है, ये हम लोग को पहले से मालूम है बी फॉर बॉल, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही जानते थे बी फॉर बॉल। अब आज हमने क्या सीख लिया, बी फॉर और भी कुछ लेटर्स, जैसे तो बी फॉर बॉल हम पहले से जान रहे थे, यहाँ भी हम बी को फर्स्ट लेटर जो बी है उसे सर्कल करते हैं। बी फॉर बॉल हम जान रहे थे, लेकिन अब हमने क्या सीखा, बी फॉर बैग, बी फॉर बैंगल, बी फॉर बकेट एंड बी फॉर बेल। अब आते हैं हम लोग सी पर, कैपिटल लेटर सी एंड स्मॉल लेटर सी। सी फॉर कैट, ये भी मैंने ठीक से ड्रॉ नहीं करा, सी ए टी कैट, ये हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग को मालूम है, इसे सर्किल कर दिया फर्स्ट लेटर को। कप जिसमें मम्मी चाय पीती है, सी यू पी कप, सी को, सी से शुरू होने वाले अब सब शब्द हम पढ़ रहे हैं,
सी फॉर क्रो, क्रो मतलब कौआ, तो ये भी सी से शुरू हो रहा है, फर्स्ट लेटर को हमने सर्कल किया। एंड सी फॉर कॉट, एक नया चीज़ आप सीख रहे हो, सी यू टी कॉट, कॉट माने खटिया। ये देखिए हम लोगों के घरों में होता है, तो ये खाट होती है, ये खटिया या खाट, सी ओ टी कॉट। तो सी फॉर मतलब हम इस तरह के खाट या बेड को भी कॉट बोल सकते हैं। तो सी फॉर कितने शब्द हमने सीखे, पहले से हम सी फॉर कैट जानते थे, सी फॉर कप भी हम शायद जानते थे, लेकिन सी फॉर कॉट, सी फॉर क्रो ये हमने आज सीखा। अब हम आते हैं डी पर, कैपिटल लेटर डी, स्मॉल लेटर डी। डी फॉर हम लोग डॉग हमेशा से सीखा है, ये डॉग हम लोग जानते हैं, तो डी से डॉग शुरू होता है। अब डी से और क्या क्या शुरू हो रहा है, देखिए डोर, डोर माने दरवाज़ा, हम स्कूल में भी देखते हैं, घरों में भी देखते हैं, डोर माने दरवाज़ा, ये भी डी से शुरू होता है, डी डबल ओ आर डोर, तो डी डबल ओ आर डोर। डक, डक माने बत्तख, तो डी इसका भी हम सर्कल कर देते हैं, डी यू सी के डक, ये भी डी से शुरू हो रहा है। घर में डस्टबिन होती है या स्कूल में भी डस्टबिन आपने देखा है, जिसके अंदर हम लोग सारे गंदे चीज़ों को उठाकर डालते हैं, कचरों को, तो डस्टबिन हम लोग स्कूल में बोलते भी हैं, डस्टबिन, डी यू एस टी, डस्ट बी आई एन बिन, डस्टबिन, तो डस्टबिन भी डी से शुरू होता है। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं, डी फॉर डॉग हमें पहले से मालूम है, जो डी से शुरू होता है। आज हमने सीखा डी से शुरू होने वाले शब्द, डोर, डी डबल ओ आर डोर, फिर डक, डी यू सी के डक, डस्टबिन, डी यू एस टी बी आई एन बिन, इस तरह, और डॉग तो हम जानते ही थे। इस तरह आज आपने देखा कि हम लोग अभी तक सिर्फ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग इतना ही सीखे थे, लेकिन अब हमने ए से कुछ और भी शब्द सीखे आज, बी से भी, सी और डी से भी। और सबका पहला लेटर ए से जो जो शुरू हुआ, अलमीरा ए से शुरू, एप्पल, एक्स, एरोप्लेन, एरो, सबके ए यानी फर्स्ट लेटर को हमने सर्कल किया है। आगे मैं आपको बनाने दूंगी इसी तरह से, और आपको इस ऐसे ही फर्स्ट लेटर को सर्कल करना है, घेरना है। और एंट, बी से बी फॉर बॉल, बैग, बी ए जी बैग, बैंगल, बकेट, बेल, सी फॉर कैट, कप, क्रो, कॉट, डी फॉर डोर, डक, डॉग, डस्टबिन। तो आ गया, अब तक मैं कुछ याद भी हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है मैं आपको इसका बनाने दूंगी तो आ जाएगा, धीरे धीरे आप इन सारे शब्दों को याद करेंगे। ओके, थैंक यू।